वैसे तो सचिन पायलट बड़े मृदुभाषी हैं, लेकिन अपनी जनसंघर्ष यात्रा को अजमेर से जयपुर ले आने के बाद जब मंच से गरजे तो उनके विरोधियों के दिलों में कंपन जरूर पैदा हुआ होगा। सियासी विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन जयपुर की अजमेर रोड पर पायलट के लिए उनके समर्थकों की दीवानगी साफ दिखी। गर्मी प्रचंड है, धूल भरी आंधी से एक दिन पहले ही लोग दो चार हुए, लेकिन मजाल की मौसम की तपिश पायलट समर्थकों का कुछ बिगाड़ दे। जो जहां से पहुंचा, जैसे भी पहुंचा, वहीं डट गया। पूरा मंच समर्थकों से अटा पड़ा था। पायलट के खास हेमाराम चौधरी हो, वेद प्रकाश सोलंकी, विधायक रामनिवास गवाड़िया, दीपेंद्र सिंह शेखावत, अमर सिंह जाटव, हरीश मीना, खिलाड़ी लाल बैरवा, सुरेश मोदी, मुकेश भाकर, राकेश पारी, इंद्राज गुर्जर और विधायक गजराज खटाना सभी पूर्व पीसीसी चीफ के साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं। इतना ही नहीं, मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा पायलट के सुर में सुर मिलाते नजर आए। सचिन पायलट ने मंच से सीएम गहलोत को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की फिर से चुनौती दे डाली। मुख्य रूप से तीन मांगे सचिन पायलट ने मंच से रखी। पहली मांग, पेपर लीक से प्रभावित बच्चों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए। दूसरी मांग, चाटुकारों से भरी आरपीएससी और इसके जैसी संस्थाओं के सिस्टम को सुधारने या इसे भंग करके नई संस्थाओं को बनाए जाने का काम शुरू करने का फैसला हो। और तीसरी मांग, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार की जांच शुरू करवाने की रही। इतना ही नहीं, पायलट का विराट स्वरूप उनकी बातों के आखिर में तब नजर आया जब पूर्व पीसीसी चीफ ने आर पार का ऐलान कर दिया और कहा कि अगर इन मांगों पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो वो अपने समर्थकों के साथ प्रदेश के हर जिले, हर गांव और हर ठाणी में आंदोलन करेंगे। पायलट की ललकार और उनके समर्थकों की हुंकार ने जाहिर तौर पर सीएम अशोक गहलोत के दिमाग में हाहाकार मचा दिया होगा। कहां तो कांग्रेस पार्टी और सीएम गहलोत अपने 4.5 साल के काम पर वोट मांगने की तैयारी में थे और कहां पायलट ने ऐसा सियासी मौसम बदला कि सबकी हवा निकाल दी। पायलट की बातों में एक और सियासी इशारा साफ दिखा। पायलट ने मंच से सोनिया गांधी का नाम तो लिया, लेकिन राहुल और प्रियंका का जिक्र ना करके पार्टी आला कमान को भी ये मैसेज दे दिया कि वो केंद्रीय नेतृत्व के कुछ लोगों से नाखुश भी हैं। कुल मिलाकर देखना होगा कि जयपुर में पायलट के बयानों की टंकार सिविल लाइंस के बंगला नंबर 8 तक कितनी पहुंची है, क्योंकि यही रहते हैं सूबे के मुखिया अशोक गहलोत। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान चौक।